हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक मेरे प्रकृतिक से जुड़ा हुआ नए ब्लॉग वीडियो में दिल से नमस्ते प्रणाम स्वागत है। और आज जो है फ्रेंड्स, हम मतलब जो रिव्यू करने वाले हैं वो फसल है तीसी जिसको बोलते हैं हम लोग, और उसका यूज, उसका फसल किस तरह से होता है फ्रेंड्स, कैसा उसका फसल है, आज हम देखेंगे उसी का मतलब उसी का जो रिव्यू है नहीं देखना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो तीसी का फसल है उसका जो मतलब जिस खेत में लगा हुआ है वो खेत हम पहुंचने वाले हैं फ्रेंड्स। जो सुबह सुबह का टाइम यानी समय में जो शीत पड़ता है फ्रेंड्स, उसकी वजह से चलने में भी थोड़ा सा तकलीफ होता है। तकलीफ क्या होता है मतलब, जो हम लोग जो अपना गाँव है उसमें बोलते हैं, जो जिस पर चलते हैं खेतों में बना होता है इस तरह का, उसको बोलते हैं आड़ी। तो उस पर घास उस होता है ना, तो उसमें जो चप्पल पहन कर जाते हैं तो चप्पल में मट्टी लगा हुआ रहता है, तो मट्टी और जो शीत का पानी होता है वो चप्पल जब पहनते हैं जो पैर का नीचे होता है तलवा उसमें चल जाता है, तो मतलब पैर फिसलने लगता है, घिसने लगता है फ्रेंड्स, जिसके वजह से थोड़ा सा चलने में कष्ट होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम जो तीसी का खेत का जो फसल है, तीसी फसल का जो खेत है वहाँ पहुँच गए हैं फ्रेंड्स, और हम आप लोगों को दिखाते हैं फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जो तीसी का खेत है, जो तीसी फसल का खेत है वहाँ पे हम पहुँच गए फ्रेंड्स। देख सकते हैं यही सब जो है तीसी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यही सब जो है फ्रेंड्स वो तीसी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम आप लोग को पूरी तरह से इसका जो रिव्यू है वो हम दिखाते हैं और बताते हैं फ्रेंड्स कि इसका यूज क्या है, इसका यूज किस में किया जाता है, किस चीज़ के जरिए खाने में इसका यूज होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए। बरखा मेरी, मैं तेरा,
बदल दिया। सबसे पहले जो है वो सिनेमैटिक सीन लेकर दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को कुछ अच्छा लगे देखने में। उसके बाद हम इसका जो मतलब जो भी कहना बोलना चाहते हैं बताना चाहते हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे, मतलब बताएंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और चलिए मैं जो बैक वाला यानी पीछे वाला जो कैमरा है वो कैमरा थोड़ा सा सिनेमैटिक सीन लेकर आप लोगों को दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो कुछ मतलब भाग जो है, हम सबसे पहले जो कुछ मतलब वीडियो का जो कुछ पार्ट है उस पार्ट को हम पहले आप लोगों को कुछ ये जो फसल है तीसी का उसका रिव्यू जो है वो सिनेमैटिक तरीके से थोड़ा सा दिखाते हैं फ्रेंड्स, ताकि जो हरियाली इसका इसका प्राकृतिक है उसका आनंद जिस तरह से जैसे आप लोगों को मिलना चाहिए फ्रेंड्स और उसे मिल सके और मिले। देखिए फ्रेंड्स चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहरा। देखिए फ्रेंड्स इसका जो सिनेमैटिक सीन है वो कितना अच्छा आ रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स। देखिए
तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आप लोगों को जो कुछ वीडियो का जो मतलब भाग है वो सिनेमैटिक तरीके से दिखाएं फ्रेंड्स, और चलिए हम इसका जो रिव्यू है फ्रेंड्स उसको हम देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इसका यूज़ कैसे और कहाँ किस प्रकार के खाने में किया जाता है और होता है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यही टीसी होता है अलग, जो पढ़ाई लिखाई के मतलब जो पढ़ाई में होता है, जो कि स्कूल से मतलब जब नाम किसी का कटता है तो उसमें से आता है, उसी को बोलते हैं टीसी। और ये जो है ये है टीसी, टीसी है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स यही है टीसी का फसल फ्रेंड, देख सकते हैं आप लोग, तो यही है फ्रेंड्स टीसी का फसल, देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको और लेकर जाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स यही है तीसी का फसल, और इसको हम तोड़ते हैं मतलब जब फाड़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए इसके अंदर से किस तरह से जो दाना निकल कर आता है। देखिए फ्रेंड्स ये जो दाना है ना फ्रेंड्स, ये यही दाना है तीसी। ये अभी मलिन है, मलिन कहने का मतलब हुआ कि अभी ये हरा भरा यानी हरियर है। कोई भी फसल जैसे चना, मंसूरी, जैसा कि हम पहले वाला ब्लॉग वीडियो में जो बताए थे भी हम आप लोगों को, कि जब सूख जाता है फ्रेंड्स तो इसका जो मतलब फसल को जो अलग करने की जो प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया के द्वारा फसल को अलग अलग किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये भी फसल उसी तरह से फ्रेंड्स कि ये जब सूख जाएगा तो इसका मतलब फसल को कबाड़ेंगे या काटेंगे, और काट कर इसको पहले मतलब ऑटोमेटिक जब सूख जाता है तो ये जो है ना, ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सब जो है ना फ्रेंड्स, देखिए ये सब जो है ये सब ऑटोमेटिक फूटने लगता है, यानी कि फटने लगता है। जिस तरह से जब धूप निकलता है तो कमल खिलता है, उसी प्रकार से ये है जब पूरी तरह से सूख जाता है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक जो है फूटने लगता है। तो वही इसको मतलब ये फसल को जो मतलब तीसी होता है उसको ये फसल मतलब इससे अलग करने में कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम अभी आप लोग को दिखाएं, तो यही है जो फ्रेंड्स वो मतलब फूटता है और इससे जो फसल है जो मतलब निकलता है अनाज वो है तीसी। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ फ्रेंड्स, देखिए देखिए फ्रेंड्स आप लोग को दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, देखिए ये जो है ना ये वाला यही है तीसी। और ये जब मतलब पूरी तरह से ये फल जो फसल है वो परिपक्व हो जाता है, यानी कि तैयार हो जाता है, तो इसका कलर ये इस तरह से जो ग्रीन यानी हरा है ये हरा से हो जाता है फ्रेंड्स ब्लैक हो जाता है, और वही जो है फ्रेंड तीसी है। तो फ्रेंड्स इसका जो यूज होता है फ्रेंड्स, इसका यूज होता है पिट्ठा, हमारा जो देहाती भाषा, हम गांव के रहने वाले हैं, किसान परिवार का बेटा हूं फ्रेंड्स, तो हम मतलब किसानी भाषा में जानते हैं कि उसका जो यूज होता है वो होता है पिट्ठा बनाने में। आप लोग सुने होंगे खीर पिट्ठा का नाम, जो कि सब लोग पुनिया के दिन खाते हैं फ्रेंड्स। तो वही जो पिट्ठा होता है फ्रेंड्स सफ़ेद वाला, जो कि अरबा चावल के द्वारा बनाया जाता है, तो उसी में ये तीसी जो है इसमें मतलब कुछ अन्य मतलब और सामग्री जो होता है उसको यूज करके इसको बनाया जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि मीठा या गुड़ होता है, गुड़ में तीसी को पहले भूनते हैं, मतलब जो मतलब औरत के काम हमें मतलब नहीं पता है, वो मम्मी उम्मी जो है वो बनाती है। तो वही मतलब खाली मतलब जैसे घर में कोई खाना बनता था, कभी कभी आप लोग भी देखते होंगे तो ही बनता था, तो हम भी कभी कभी देख लेते थे फ्रेंड्स। तो ही मीठा में मतलब उसको फिर सानते थे चूड़ के, तो ही जो होता है पिट्ठा उस मतलब जो चावल जो होता है अरबा उसको पिसा कर, जिस तरह से जैसे लिट्टी बनता है तो लिट्टी में सत्तू भराता है, मतलब आटा को मतलब बीच में सनाता है, मतलब सत्तू पड़ता है जब मतलब सनाया हुआ आटा के, तो उसी प्रकार से पिट्ठा में भी जैसे लिट्टी बनाने में सत्तू का प्रयोग किया जाता है आटा के बीच में, उसी प्रकार से वो अरबा चावल जो होता है अरबा चावल के बीच में तीसी का वो जो मतलब तीसी जो तैयार किया गया सामग्री को उसमें दिया जाता है फ्रेंड्स। तो तीसी का यूज यहाँ होता है फ्रेंड्स, और होता होगा फ्रेंड्स तो हमें यहीं तक मतलब मालूम है, याद है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसे है फसल फ्रेंड, देख सकते हैं थोड़ा सा खड़ा होकर और इधर भी आप लोग को दिखाते हैं फ्रेंड्स, देखिए आप लोग देखिए फ्रेंड्स यही है जो मतलब
किसी का जो फसल है वो देख सकते हैं। ये अभी जैसा कि हम अभी आप लोग को बताएं कि अभी मलिन यानी कि हरियर है, ये अभी फसल जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। अभी इसको तैयार होने में करीब करीब 15 से 20 दिन अभी टाइम इसमें लगेगा फ्रेंड्स, तो ये फसल जो है वो तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो फसल है वो हरियर है और कुछ कुछ पौधे हैं जो कि सूख गए हैं, यानी कि फसल जो है वो परिपक्व यानी कि तैयार हो गया है, लेकिन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक इसको खेत से कबाड़ा या फिर काट, मतलब कोई कोई कबाड़ते हैं भी तो या कबाड़ या काट नहीं सकते फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यही है तीसी। हम मतलब बोलते बोलते कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, टीसी तो तीसी, कभी कभी टीसी भी बोला जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो जाता होगा फ्रेंड्स, तो आप हमें अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी इधर देखिए फ्रेंड्स, जो भी फसल है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को देखने में लग रहा होगा, देखिए फ्रेंड्स ये जो फसल है वो अभी जैसा कि हम अभी बताएं आप लोगों को, आप बार बार बता रहे हैं कि अभी मलिन यानी कि अभी हरियर है, जब परिपक्व होगा यानी तैयार होगा तब इसको ले जाया जाएगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका खुशहाली हरियाली, देखिए फ्रेंड्स तीसी का महक आ रहा है, महक जिसको कहते हैं ना महक, वही महक आ रहा है फ्रेंड्स तीसी में। यही है हमारे देश, हमारे राज, हमारे गांव का किसानी व्यवस्था, खेत खलिहान फ्रेंड्स। सुगंध हरियाली है, हरियाली खुशी, हरियाली से खुशी मिलती है, और इसका जो सुगंध है हमारे गांव मतलब जो खेत खलिहान है उधर का जो सुगंध है इतना आनंदमयी है फ्रेंड्स कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। अगर हो सके तो आप एक बार मतलब हमारे गाँव आइए और गाँव में घूमिए फ्रेंड्स, तो देखिए इसका हरियाली, इसका सुगंध, इसका मिट्टी, आप लोगों को पता चलेगा फ्रेंड्स खुशहाली से भरा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से जो फसल है फ्रेंड्स लहलहा रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स और उधर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स किस तरह से जो फसल है वो लहलहा रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं उधर भी है कुछ कुछ पौधे, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स कुछ कुछ जो फसल है वो देखिए किस तरह से लहलहा रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का जो मेरा ये हरियाली का जो ब्लॉग वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ कि हरियाली से जुड़ने के लिए, मेरे गांव की खेत खलिहान से जुड़ने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिए, ताकि हमारे गाँव में जितने भी खेत खलिहान फसल हैं उससे और उसके जब भी कोई नया वीडियो बनेगा और आएगा कोई भी अपडेट तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से फिर नेक्स्ट यानी कि अगले ब्लॉग वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्ते, प्रणाम, हर महादेव, जय जवान जय किसान।